पंकज आपका रुख करना चाहूंगी, सीमाओं को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है चौकसी बढ़ा दी गई है। पंजाब से लगती दूसरे राज्यों की जितनी भी सीमाएं हैं वहां पर किस तरह के चेकिंग या किस तरह की गहन तलाशी चल रही है या सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि जिस तरह से मंडी मोड में जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से ही सरहद पे जो है वो चौकसी बढ़ाई गई है, और खासतौर पर क्योंकि अब कल चुनाव आने हैं तो इसके मद्देनजर जो है पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है उसको सील कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि कई बार जो है घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है या फिर किसी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही ये कह चुका है कि किसी तरह से कोई विदेशी ताकतें जो है वो पंजाब का माहौल बिगाड़ सकती हैं चुनाव के दौरान। तो ऐसे में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको पूरी तरह से तैनात किया गया है, और खास तौर पर जो सरहद के साथ लगते गांव हैं वहां पर चौकसी बढ़ाई गई है। वहां पर तमाम तरह से गृह मंत्रालय की भी नजर है और तमाम एजेंसियों की भी नजर है कि वहां पर जो है हालात ना बिगड़े, क्योंकि मालवा में बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल के साथ साथ जो है वहां पर हालात बिगड़ भी सकते हैं। चाहे रामपुरा फोल की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां पर जो सेंसिटिव से करार दिए गए हैं, वहां पर खास तौर पर जो है सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, वहां पर पूरी नजर रखी हुई है। और इसके साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं उनको खरीदने की कोशिश ना की जाए, तो इसके मद्देनजर भी चुनाव आयोग जो है पूरी तरह से फोकस नजर आ रहा है। और खास तौर पर क्योंकि मालवा का बहुत सारा इलाका, चाहे फिरोजपुर हो, गुरुहरसाई हो या फिर और दूसरे इलाके हैं, वो पाकिस्तान के साथ उनकी सरहद लगती है, तो वहां पर सील किया गया है ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना पैदा की जा सके।